विदा करते हैं। कुछ लोग होंगे जो बेटी को विदा कर चुके होंगे और कुछ लोग होंगे जो करेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन बेटी की विदाई तो सबको ही करनी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, जब एक बेटी घर को छोड़ के जाती है, जब विदा होकर जाती है, तो बेटी के जाने के बाद ऐसा लगता है मानो घर में कोई नहीं है। बोलो हाँ या ना, घर खाली लगता है कि नहीं? घर में सब हैं, पूरा परिवार है, लेकिन उस दिन ऐसा लगता है कि इस घर में कोई नहीं है। जब एक बेटी विदा होती है, बेटी के विदाई के समय कितना भी पत्थर दिल का व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। बेटी की विदाई भगवान ने वो बनाई है। बेटी घर से विदा हो रही है तो बेटी के विदाई के समय, अच्छा आप हमें ये बताओ, जब बेटी घर से विदा होती है तो सबसे ज्यादा माँ रोती है या पिता रोते हैं? निर्णय करके बताओ, सबसे ज्यादा कौन रोता है, माँ या पिता? अब इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हम रोते हैं, और पीछे पूछो तो वो कहेंगे कि हम रोते हैं। लेकिन ये सच है, बेटी के विदाई के समय जितनी माँ नहीं रोती है उससे ज्यादा पिता रोते हैं। बुरा मत मानना, क्यों? बेटी विदा हो तो देखना, आप में इतनी हिम्मत होती है कि बेटी का तुम सामना कर लेती हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि बेटी का सामना कर लेती हो। पिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जब बेटी विदा होके जा रही होती है तो उसका सामना कर ले, उससे दो बात कह ले, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। जब बेटी घर से विदा हो रही है तो पिता पीठ फेर के खड़ा हो जाता है, पिताजी देखते नहीं है, देखा नहीं जाता उस समय, अपनी बेटी को देख नहीं सकते हैं, मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। तब लोग उनको पकड़ के लाते हैं, चलो बेटी विदा हो रही है, और पिताजी कहते हैं जब तक मेरे घर थी कितना खुश रहती थी, घर पूरा चमकता था, घर में खुशियां थी, आज मेरे घर को छोड़ के जा रही है, इसको जो अच्छा लगे इसको दे देना, मना मत करना, जो इसको अच्छा लगे दे देना। बेटी जिस चीज पर हाथ रखती है पिता कभी मना नहीं करते हैं। देवकी की विदाई हो रही है, देवकी के पिता रो रहे हैं, माँ रो रही है, और एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माँ रोती कोई बात नहीं, पिता रोते कोई बात नहीं, पड़ोसी भी रो जाते कोई बात नहीं, एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कौन? उस बहन का भाई जो होता है, भाई बहुत रोता है। और सोचने की बात यह है कि बहन की जब शादी नहीं हुई थी, बहन की शादी से पहले भाई बहन में एक मिनट भी बनती नहीं थी, एक मिनट भी बनती नहीं थी, ऐसे लड़ते थे, ऐसे बैर रहता था जैसे कुत्ते और बिल्ली में होता है, ऐसे बैर होता था, हमेशा लड़ते थे। भाई कहीं बाहर से आता, जब तक बहन को पीट न लेता तब तक उसका भोजन पचता ही नहीं था, उसको भोजन अच्छा ही नहीं लगता था, बहुत मारता था अपनी बहन को, हमेशा लड़ते थे, हमेशा झगड़ते थे। और जब वही भाई अपनी उस इकलौती बहन को विदा करता है तो वो बहुत रोता है। बेटी विदा हो के जाती है, भाई के गले से लग के रोती है, माँ के गले से लग के रोती है, पिता के गले से लग के रोती है, वो सबके गले से लग के रोती है। और बेटी जब विदा हो तो यही नहीं कि माता पिता भाई रोता है, जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा गांव रोता है, पूरा गांव रोता है। गांव के लोग भी कहते हैं बहुत अच्छी थी, आज ससुराल जा रही है,
इसके जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। देवकी के विदाई के समय पूरी मथुरा में ऐसा कोई न बचा जिसने अपने आंसू न बहाए हो। बेटी का विदाई का पल बहुत भावुक पल होता है, लेकिन हर एक माता पिता को अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। आज पिताजी अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगाकर कहते हैं, आज मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है, आज मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा है। आज अपने गले से लगाकर अपनी बेटी को समझाते हैं और वो पिता फूट फूट करके रोते हैं और कहते हैं, जाओ मेरी बेटी, ससुराल में जाके हमेशा सुखी रहना, आनंद में रहना, यही आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है। आज पिताजी देवकी को गले से लगाए हैं और देवकी को समझा रहे हैं, बेटा कहा बाप। पाल के बड़ा कर दिया है, लेकिन बेटी बेटी हमेशा पराया धन होती है और बेटी को एक दिन अपने पिता के घर को छोड़ के जाना पड़ता है। आज पिताजी कह रहे हैं,
माता पिता अपनी इकलौती बेटी को रो रो कर विदा कर रहे हैं। कहते हैं आज तक मेरे घर में खेल करके बड़ी हुई, आज तू दूसरे के घर जा रही है। आज माता पिता रो रो कर अपनी बेटी से कहते हैं, परंपराओं को समझाया, सभ्यताओं को समझाया, अपनी इकलौती बेटी को विदा कर दिया। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता।